हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये सीटेट की वीडियो, चाहे आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, आपका सीटेट पास हो चुका है, पेपर वन पेपर टू नहीं हुआ, कोई भी एक एग्जाम आपका जो है नहीं निकला है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। 8 मिनट की वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एक एक नंबर की वजह से केवल सीटेट में फेल हो गए और वो बीपीएससी TRE 3 से जो है वो बाहर हो गए हैं। और देखिए, जैसे जैसे भर्तियां आएंगी, आपको पता है अभी चुनाव है बिहार में, 24 में भी है, 25 में भी है, इस वजह से भी आपको 1-1 लाख वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। बट इसके बाद से भी अगर आप बार बार सीटेट में ही आप फेल होते रहेंगे तो ना तो आप बीपीएससी दे पाएंगे, केवीएस की वैकेंसीज उससे भी आप बाहर हो जाएंगे, DSSSB, और आने वाले समय में आप सुपर टेट से भी बाहर हो सकते हैं। साथ में आप जिस भी स्टेट में हैं, अगर वहाँ पे कभी वैकेंसीज आती है तो भी। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो पेपर टू में भरे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बीएड वाले भी जा सकते हैं, डीएलएड वाले भी। साथ में 6 to 8 की वैकेंसीज भी आ रही है, और कोई भी प्राइमरी, अगर किसी के पास ऑप्शन है कि वो प्राइमरी में भी टीचर बन सकता है, जूनियर में भी, तो ऑब्वियस ही बात है उसका हमेशा से इंटरेस्ट जूनियर के तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको वैकेंसीज भी ज़्यादा मिलती हैं। अभी आप देख ही सकते हैं बिहार में आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, प्लस प्रमोशन होने के चांसेस भी रहते हैं, बट सीटेट ही नहीं निकल रहा है। तो सीटेट से रिलेटेड ये जो आवश्यक सूचना है ये मैं आप सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो अगस्त में सीटेट होगा उसके बाद से NTA पेपर लेगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, मे भी आपको एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि जैसे जैसे सीटेट का जो है एडिशन होते जा रहा है, 17-18 ऐसे बढ़ता जाएगा, उसमें सीटेट के क्वेश्चंस भी टफ आ रहे हैं। आप सोचिए कि इस बार 17 लाख पेपर टू में फॉर्म भरे गए, जिसमें से केवल 1 लाख या 1,20,000 के आसपास जो है बच्चे पास हुए हैं, बाकी के जितने हैं वो सारे फेल हो गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो सीटेट के जो क्वेश्चंस पैटर्न है उसको समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए कुछ मेहनत किया जाए, क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आता है कि प्लीज़ आप सीटेट सोशल साइंस के लिए बताइए कि जो है हम किस तरीके से इसको पढ़ें, क्योंकि हमने पिछली बार भी बहुत मेहनत की, हमने बहुत पेड क्लासेस लिए हैं, आपने दो दो तीन तीन चार जगह से पढ़ाई की। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी बस 1 से 2 महीने तक मेरे चैनल से जुड़े थे, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई पेड क्लासेस नहीं चलाती हूँ, आपको पता है, कॉन्टेंट बनाती हूँ वो आपको प्रोवाइड कराती हूँ फ्री में, तो आपने उससे पढ़ा और आप किसी के 40 नंबर आए, किसी के 45 नंबर आए, जिसका पहले सीटेट का पेपर टू जो है नहीं निकल पा रहा था उसका भी इस बार पास हो गया, और वो इस वजह से इस बार की 6 to 8 की वैकेंसीज में शामिल हुए हैं। तो जो लोग भी सच में इस बार जिनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, जो फेल हो चुके हैं, उनको तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर आप पेपर टू में नहीं पास कर पा रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये चलता रहेगा कि यार अभी पास कर लेते हैं, आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। जैसे कि कुछ लोगों को ऑनलाइन में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को ऑफलाइन में, अभी तो CBSE आपका पेपर कंडक्ट कराएगा ये 24 वाला, बट उसके बाद से आपका पेपर NTA के द्वारा होगा, वो ऑनलाइन हो जाएगा, तो फिर उसमें स्क्रीन पे देखना भी एक बहुत ही जो है टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि 2.5 घंटे आपको स्क्रीन पे देखना है और आप वहां पे खुद से पेन से कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस पैटर्न भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है, वैसे भी पेपर तो टफ होता ही जा रहा है। तो क्यों ना आप ये जो जुलाई टू अगस्त में जो एक आखिरी मौका है ऑफलाइन का, आप उसको क्लियर कर लें, और इस बार अगर आप पास हो जाएंगे तो सच में KVS की वैकेंसीज हो, कोई भी वैकेंसीज हो, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि यार मेरा पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप फिर वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होंगे उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए NCERT के जो है मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूँ, और इस बार जो मैं नोट्स बनाऊँगी वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और ये नोट्स पूरा NCERT वाला होगा, क्योंकि अगर आप सच में पेपर टू पास करना चाहते हैं ना, चाहे आपका मैथ साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैंने केवल कुछ चीज़ों पे फोकस की और सच में केवल उसी वजह से मुझे जो है मेरा पेपर क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि बार बार सीटेट जैसा एग्जाम रुक जा रहा है, सारे नोट्स NCERT से पॉइंट वाइज, साथ में आपको वन लाइनर जो PDF मैंने प्रोवाइड कराई थी वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा, केवल उससे पढ़ के आपके 40 नंबर आए, तो अगर आप NCERT भी पढ़ेंगे टू द पॉइंट, NCERT के आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बाइलिंगुअल होगा, और सच में उससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेकार रिजल्ट हमेशा पेपर टू में ही बनता है। तो आपको सोशल साइंस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और जो अगस्त में होगा, एक चीज़ याद रखो, इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें आप सोचो कि सीटेट वाले शामिल हो चुके हैं, सेम इसी तरीके से अगस्त में पेपर होगा, थोड़ा बहुत डिले होगा इनका BPSC का, तो जितने भी सीटेट अगस्त वाले हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात कि केंद्रीय विद्यालय में जाने का सबका ड्रीम होता है, और अभी आपको पता है कि KVS की जो है एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, उस पर कुछ प्रोसेस चल ही रहा है, और जब तक आपका सीटेट का एग्जाम होगा आपको लास्ट में 2024 के लास्ट तक केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, और DSSSB तो है ही, सुपर टेट भी आ सकता है।
तो ये सारी चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब आप अभी से पढ़ाई करोगे। अब वो पहले वाला समय चल चुका है, मैंने हमेशा से आपको बताया है कि बस अब रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना होगा, क्योंकि जो सीटेड क्वेश्चन बनाता है ना वो अगर रट के क्लियर हो जाए तो सभी लोगों का पास हो जाए। वो क्या करता है कि अगर आपने सच में एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है ना, वो जो कोई भी मान लो हिस्ट्री उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, पॉलिटी उठा लो, वो केवल ये आपसे नहीं पूछेगा कि ये किस आर्टिकल में है, ये घटना कब हुई, उससे रिलेटेड वो सारे स्टेटमेंट दे देता है। और यहीं पर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, क्योंकि स्टेटमेंट वो पूरी कहानी तो पढ़ते नहीं है, ऊपर से पढ़ लेते हैं, कहीं से मैराथन देख लेंगे, कहीं से पेड क्लासेस चल रहा है उसको भी अच्छे से नहीं करेंगे। तो इस वजह से एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। और हाँ, ये जरूर है कि एनसीईआरटी 6, 7, 8 अगर आप इन तीनों का पढ़ रहे हैं खुद से, तो कई बार हमें समझ ही में नहीं आता है कि यार इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो वो काम आसान मैं कर दूंगी। और मैं नोट्स जो है जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ इसका, सीटेट का, सोशल साइंस का बनाना, जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स पहले मिल जाएगा तो आप नोट्स से पढ़ाई करते रहना, और हमारे यूट्यूब पे क्लासेस तो होती ही रहेंगी, सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड होता ही है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। सो जितने भी बीएड और डीएड अभ्यर्थी हैं, इतना याद रखिए कि ये आखिरी मौका आपका हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपका एनटीए के द्वारा पेपर होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में, और एक नई एजेंसी आपका पेपर कंडक्ट कराएगी। तो जो इतने सालों से इनका एग्जाम पैटर्न चल रहा है उसमें डिफरेंस देखने को आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको ये कोई डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ कि देखिए समय रहते आप तैयारी कर लो और उस सीटेड को क्लियर कर लो, क्योंकि एक बार अगर आप बस सीटेड ही पढ़ते रहेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार जब सीटेड जैसा एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर आगे क्या करेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिसका भी एक नंबर से रुक गया है, दो नंबर से, चार नंबर से, जुलाई अगस्त का सीटेट आपका हर हाल में जो है वो क्रैक होगा, और उसमें मैं आप सभी की काफी जो है सपोर्ट करूंगी। पहले भी मैंने किया है सोशल साइंस में, और अगर आपका सच में सोशल साइंस से नहीं एग्जाम क्लियर हो रहा है तो प्लीज आप चैनल पर बने रहें। बस कुछ दिन में बीपीएससी के एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद से आपको सोशल साइंस की क्लासेस मिलती रहेंगी हमारे चैनल से, और नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। नोट्स बहुत ही अच्छा बनने वाला है इस बार, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि काफ़ी मेहनत होगी, आपको भी पता है। तो जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा तो नोट्स आपको सोशल साइंस एसएसटी का पूरा मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो टू द पॉइंट एनसीईआरटी के बाइलिंगुअल नोट्स आपको मेरे चैनल से मिलेगा सोशल साइंस का, जहां से हर हाल में आपके 55+ तो आएंगे ही, क्योंकि जब वन लाइनर पीडीएफ से पढ़ के बस 40 नंबर आ सकता है, तो यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी साथ में वन लाइनर पीडीएफ, ये जब दोनों चीजें आपको मिलेंगी तो वहां से आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, वो भी अच्छे नंबर से। और आपका जो बीपीएससी में सिलेक्शन, आपका सपना तो होगा ही कि बीपीएससी हम भी दें, बीपीएससी टीआरई में, क्योंकि देखिए अगर आप सच में सोशल साइंस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना तो केवल सीटेट में वो आपको काम नहीं आएगा। जो लोग अभी एसएसटी में, जिनका सीटेट था ना, उनको जीएस में, बीपीएससी में काफी हेल्प मिल रही है, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस ही है एनसीईआरटी एससीईआरटी जीएस का। तो जीएस में क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सारी चीजें तो होती हैं। तो अगर आपने सीटेट में सच में सोशल साइंस का जो मेरा नोट्स होगा वो आपको केवल सीटेट में नहीं काम आएगा, वो आपको बीपीएससी में काम आएगा, जहां भी आपका जीएस पूछता है। और साथ में जब आप बेसिक से चीजें क्लियर कर लेंगे ना, तो वहां पे जब भी एग्जाम होगा बीपीएससी का, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बीएड और डीएलएड के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में हमें नहीं पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे भी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, सीटेट काफी टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, एंड आप प्लीज बताना कि क्या आपको मेरे सीटेट के सोशल साइंस का जो है एनसीईआरटी का नोट्स बाइलिंगुअल में चाहिए या नहीं चाहिए, देन मैं उस पर काम भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम को 5 बजे हमारी साइंस की क्लास है बीपीएससी टीआरई की। साइंस आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में पूछा जाता है, और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।